साल 2023 की शुरुआत होकर अब 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन जिससे साल की जबरदस्त धमाकेदार शुरुआत होती है वो धमाकेदार शुरुआत अब जाके कहीं होने वाली है। इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म कही जाने वाली पठान की एडवांस बुकिंग जोरों शोरों से चल रही है। ऐसी जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से पठान तो अपनी लागत का पूरा पैसा निकाल ही लेगी, लेकिन बाकी के फिल्म निर्माताओं को इससे इस टकराव से बचने का कोई तो उपाय सोचना ही चाहिए। छोटी फिल्मों का टकराव फिल्म का पूरा बजट ही खा जाता है। इस धोखे को मद्देनजर रखते हुए मिशन मजनू के निर्माताओं ने इसे OTT पे रिलीज करने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मिशन मजनू को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया है और इस फिल्म के निर्माता है रॉनी स्क्रूवाला। मिशन मजनू का OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसे में रिलीज होना SRK के फैन के लिए मुंह खट्टा करने वाला काम हो गया। खैर, पठान इस मूवी को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हुए मिशन मजनू इस फिल्म का आज रिव्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र फिल्म की कहानी के ऊपर भी डालते हैं। मिशन मजनू की कहानी उस दौर की है जिस दौर में भारत का बंटवारा होके भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था और जिसके जिम्मेदार थे इस विषय को पूरी तरह से आकार देने का काम किया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। इस बात पे पाकिस्तान में भी हल्ला मचा था। पाकिस्तान के जनरल ने खुद पंतप्रधान को हटाकर पूरे देश का सूत्र संचालन अपने हाथ में लिया था। तो दूसरी ओर भारत में भी इंदिरा गांधी जी अपना चुनाव हार चुकी थी। नए पार्टी के उम्मीदवार मोरारजी देसाई भारत के पंतप्रधान बन चुके थे और उन्होंने ही रॉक को पाकिस्तान में जो खुफिया कार्यक्रम चल रहे उसको बंद करने का आदेश दिया था। रॉक की स्थापना भारत पाकिस्तान के युद्ध के पहले ही हो चुकी थी और इसी माहौल में फिल्म की असल कहानी की शुरुआत होती है। रॉ एजेंट तारिक को यानी कि अमनदीप को पाकिस्तान में पहुंचाया जाता है। फिल्म में असली मिशन चालू होने से पहले ही तारिक को दर्जे का काम करते हुए दिखाया गया है। हालांकि पाकिस्तानी फौजियों के वर्दियों को सीने का काम करते हुए उनके बीच में जगह बनाते हुए वहाँ की खोज खबरों को निकालने का काम तारिक को दिया गया था। ऐसे फिल्म की कहानी को आकार देने के चक्कर में फिल्म असल मुद्दे पे बहुत देर बाद आ जाती है। नसरीन से तारिक की पहली मुलाकात बहुत ही फिल्मी स्टाइल की लगती है। दोनों का प्रेम विवाह, शादी और बच्चे, इधर तक का सफर फिल्म की कहानी ऊपर तक जाने से रोके रहता है। फिल्म में रॉ एजेंट तारिक के समेत अन्य और भी कलाकार हैं जिनके जिम्मे इस मिशन को पूरा करने का भार सौंपा गया है। इसी कारणवश फिल्म ना तो पूरी तरह से जासूसी फिल्म बन पाती है ना ही रॉ एजेंट की कहानी बन पाती है। इस तरह से स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग के मामले में फिल्म गोते खाने के बाद में भी निर्देशन के मामले में पूरी तरह से सबसेल फेल हो जाती है। फिल्म की कहानी का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में चित्रित होता है तो इस वजह से जो सेटअप तैयार किए गए हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान का सेटअप ही नहीं लगता है, पूरा सेटअप ही बनावटी लगता है। और अब बात करते हैं फिल्म के मेन कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा की। शेरशाह जैसी अच्छी फिल्म करने के बावजूद भी सिद्धार्थ मल्होत्रा थैंक गॉड और मिशन से अपने फिल्मी करियर में 4 कदम पीछे पड़ चुके हैं। उनका ठिकाना अब OTT प्लेटफॉर्म पे ही बनता जा रहा है। यह फिल्म या वेब सीरीज जरा भी कमजोर पड़ गई तो लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाने का बहुत बड़ा डर लगा रहता है। एक्शन फिल्मों के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा सबसे जबरदस्त चॉइस है, लेकिन उनके लिए इस फिल्म ने ना तो अच्छे स्टंट को कोरियोग्राफ किया गया ना तो अच्छे सीन्स को डेवलप किया गया। फिल्म के बाकी कलाकारों में भी रश्मिका मंदाना का हाल भी वैसा ही है। वो दिखने में तो खूबसूरत है लेकिन अभिनय के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी तो कम पड़ती हुई नजर आती है। कुमुद मिश्रा का किरदार इस फिल्म के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। पर्दे पे उनका अभिनय बहुत ही संजीदा लगता है। फिल्म के गानों की बात करें तो वो दर्शकों के भावनाओं को पूरी तरह से छूने का काम कहीं पे भी करता हुआ नजर नहीं आता है। कमजोर संगीत के चलते ये अपना रंग नहीं जमा पाते हैं। शरीफ हाशमी को देखकर ऐसा लगता है कि वो हर तरफ की भूमिका को पूरी करने में सक्षम है। परमित सेठी को रॉ हेड की भूमिका में देखना बहुत ही अच्छा लगता है। भारतीय जासूसों के ऊपर इसके पहले भी एकता टाइगर, बेबी, मद्रास का पे, राजी और अन्य कई सारी फिल्में बन चुकी है। उन फिल्मों के देशभक्ति के फ्लो को इस फिल्म में पूरी तरह से कैच करने में डायरेक्टर काफी हद तक ही सफल रह चुके हैं। जासूसी के मामले में फिल्म नया कुछ दिखाने के चक्कर में काफी हद तक असफल रहती है। मिशन मजनू इस फिल्म को देखने के बाद में आपका क्या रिएक्शन है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।